दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको टूर देने वाला हूँ चलो फ्रेशको का। ये एक फ्रेशको का इंडियन वर्जन है चलो फ्रेशको, और कैलगरी में एक ही स्टोर है इसका, दूसरा एडमिंटन में है जो नियरेस्ट है। तो इसका प्लान यूँ बना कि कल हम आए थे अपने दोस्त के घर, सनी और आस्था के घर, यहाँ नाइट स्टे हमने करा था। तो उनके घर के जस्ट 900 मीटर की दूरी पर ये घर है, चलो फ्रेशको है। तो हमने कहा चलो फिर यहाँ से ग्रॉसरी हमने करनी थी वापसी में, तो यहाँ से क्यों ना करते हुए जाएं। तो चलो चलते हैं अंदर स्टोर के अंदर और दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल रहता है अपनी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। पापड़ी चाट है ना? चलो जी पापड़ी चाट आ गई। कल ना एक्चुअली आस्था ने खिला दी थी हमें बहुत अच्छी बना के, मैं फोटो डालूंगा उसकी कैसी बनाई थी। तो हमारा मन कर गया इसको लेने का। मैम स्टर के गोल गप्पे, मसाला पानी हमने ले लिया, पानी आस्था ने पैक करा दिया हमारे लिए। यानी अब इसमें बोलने की बात ही नहीं है कि ये मिल रहा है। तुम जिस चीज़ का नाम लो, हाँ है यहाँ पे, बस थोड़ा चलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मिल सब जाएगा, मसालों से लेके चीनी तक, आटा लेके सब। यानी जो नाम मैंने उधर भी नहीं सोचे थे, सुने थे, वो भी मिल रहे हैं अभी है। हमने तो MDH का सुना, हो सकता है अहमद का पान, अहमद के मसाले कहीं और मशहूर हो, कहाँ का प्रोडक्ट हो पाकिस्तान, तो हो सकता है वहाँ का MDH हो। पर वहाँ का MDH मेरे कहते शान मसाला है ना, ये अहमद होगा वहाँ का एवरेस्ट है। तो हो सकता है अहमद वहाँ का एवरेस्ट हो, हमारे जगह जैसे एवरेस्ट है। ये मैंने बचपन में बहुत खाया चीनी वाला बिस्किट बोल बोल के 300-400 रुपए का बिस्किट है। पुरानी पिक्चरों में विलन का नाम क्या होता था? गब्बर। अबे तेजा, तेजा मैंगो ड्रिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करें। हाँ तो ये आ गया शान, ये पाकिस्तान का MDH है, हैं? ये पाकिस्तान का MDH हुआ ना शान, क्योंकि हमें ये इनका बिरयानी मसाला अच्छा है। ये हमें साहा और फरदाद ने बताया था जब वो आए थे हमारे घर पे, कहते मिलता है शान का मसाला। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी उठा ले, ये वाला। हाँ क्यों धकेल रही है? अभी तक हम कौन सा खाते आए हैं? पतंजलि और अमूल। ना ना कभी ट्राई नहीं करा, लोग बोलते तो हैं लेकिन पहले एक छोटा सा लेकर ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे बड़ा लेना है कि नहीं लेना। चल आ जा। और हाँ एक चीज़ अभी बताता हूँ, इसकी ना कनेक्टिविटी सही है वैसे देखा जाए तो। अगर टाउन टाउन से जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें जब इंडियन स्टोर जाना होता है तो उसके लिए चलना बहुत पड़ता है हमें, क्योंकि वो ना दो स्टेशन के बीच में है बॉम्बे स्पाइस। तो ये स्टेशन से उतरो सैरल टाउन लास्ट स्टेशन और सीधा चलो फ्रेशको आ जाओ, सामान उठाओ वापस ट्रेन से सीधा घर। तो ये कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी ट्रेन से। दिवाली के टाइम पे पूजा करनी हो तो पताशे भी हैं यहाँ पे। तुम नाम लो चीज़ है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली क्या ना, मैं इन सब के खिलाफ तो हूँ बट क्या करें, 21st सेंचुरी में। तो वो वाले ले लेना, वो हेल्दी भी होते हैं, बेसन वाले जो तू खाता भी है। ये बेसन वाले तो है, ये नहीं वो होते गाठिया होती है। नहीं वो इतना, वो बहुत ज्यादा बेसन बेसन हो जाता है वो में से। होता पता है क्या है, यहाँ मसाले सस्ते मिलते हैं तो कई बार ना जैसे इंडियन स्टोर जिनके हैं छोटे छोटे बहुत सारे, तो क्या करते हैं यहाँ आते हैं, यहाँ से खरीदते हैं और सीधा फिर अपने स्टोर से बेच लेते हैं। तो ऐसा भी यहाँ होता है, मैंने कई जगह देखा है। वो कन्वीनियंस स्टोर वाले हैं जो इंडियन कन्वीनियंस स्टोर चला रहे हैं, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए हो सकता है MDH इसलिए खत्म हो गया, पूरा सामान नहीं है, बाकी पता नहीं सच क्या है, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे। एवोकाडो रखने के लिए डब्बा आता है हमारे यहाँ, साबुन रखते हैं नहीं आता साबुन रख लेगा, नहीं मिलता 5-5 रुपए का ठेले पे आता बेचने गली में।
चलो जी हम वापस चलो यहाँ $5 का मसालेदानी। अरे भाई तो बड़ी अच्छी है। ऊपर से दिख जाते हैं चम्मच भी अंदर छोटा सा। तंदूर नहीं तो तंदूरी के नाम की कमी तो नहीं होने देंगे ये लोग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है प्लेन पराठा नहीं अच्छा लेकिन फ्रोजन नहीं खाना। भाई साहब वैसे खानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी ये, बट खाते नहीं पीते हैं। हाँ मतलब इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए बट ठीक है कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है एसिडिटी तो इसको थोड़ा सा कभी कभी चलता है यार। सॉरी साइड होता है। ठीक है वे लिंडा लॉन्ड्री शॉप कौन हाथ से कपड़े धोता है? यहाँ पे हाथ से कपड़े धोएगा कौन? तो हो सकता है कई लोग होते ना। मिसवाक भी है टूथपेस्ट दंत रक्षक डाबर लाल मेरा तेरे लिए कुछ लेना इस सेक्शन में से। ये तेरे लिए है ये तेरी फोटो भी तो लगी है देख ले तेरे से तो दिख रहा है वो। भाई तुम बताओ कौन किसी तरह दिख रहा है। ठीक है देख एकदम तेरी तरह दिख रहा है। चल ठीक है देख ले। ठीक है हाँ एकदम सेम डिट्टो बस दाढ़ी नहीं है उसकी। तो कैसे मेरी तरह दिख रहा है? बस दाढ़ी नहीं है वही तो कह रही बाकी तेरी तरह दिख रहा है। अरे तू तो दूध में कोल्ड ड्रिंक डाल के भी पीता है। मैं को चलो इस बात पे ना बात हो ही जाए। देखो यार पहाड़गंज में मम्मी मेरी पहाड़गंज से है ठीक है वहीं पली बड़ी है तो हम तो पीते थे कोल्ड ड्रिंक में दूध के अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल के। कितने लोगों ने पिया है और कितने लोगों ने नहीं पिया तो ट्राई करके देखना ना स्वाद लगे तो प्लीज मुझे बताना। ये मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती कि दूध में कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक कोई पेप्सी नहीं डालनी थम्सअप डालनी है बस और कुछ नहीं डालना और थम्सअप यहाँ मिलती नहीं है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए कोक। ठीक है थोड़ी सी चीनी दूध के अंदर और कोल्ड ड्रिंक डाल के फिर पीना गर्मियों में मजा आ जाएगा सही बता रहा हूँ। मत पीना प्लीज ट्राई करके देखना। टिन 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 टॉप पे मैंने मैगी दिख रही है तो सोचने में कितना इंटरेस्ट। ये मेघा है ना हमारी वाइट मैगी खानी है उसने। वाइट कभी खाते हैं ना खाते हैं तो वाइट मैगी खानी है उसने। ये लो कहाँ से जाएगा ये ऐसे आएगा। ये हमारा सामान है ये सेंटर में पहुँच गया। चलो ओ भाई 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 बड़ा ही हैवी ड्राइवर हो तुम तो तुमसे ट्रॉली नहीं चल रही। शट अप ये ना प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड बड़ी छोटा है ये छोटे चावल है। ऐसे ऐसे चावल को ना हमारे इंडिया में किनकी बोलते हैं बासमती किनकी टुकड़ा किनकी। अरे किनकी तुम नहीं रहे ना भाई छोटे एरिया में हम रहे हम खानपुर से हैं। किनकी का मतलब कुछ और भी होता है तो वहाँ पे किनकी चावल मांगेगी ना खानपुर जाके वो मिल जाएगा तेरे को और उस समय बहुत सस्ता चावल हुआ करता था वो भी खाया हुआ हमने। हम तो पहले बचपन में जब मैं छोटे थे तो हम दुकान से लेते थे बोरी में से फिर बड़ों के लाल किला वाला इंडिया गेट वाला शुरू किया था। ये तो वैसा वाला गुड़ है प्रॉपर टुकड़े वाला। अगर वैसे पिसा हुआ गुड़ लेना है तो उसका अच्छा फ्रॉम द अर्थ का बहुत अच्छा पिसा हुआ गुड़ लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा वो मिलेगा इंडियन स्टोर में। गन्ना खाना है? गन्ना तो लेना है। ले 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 लो पता है राम के कल्चर में ना एक पता नहीं ले ले खा लेगा तो ले लो। कोस्टा रिका से आया है कोस्टा रिका के गन्ने। चलो हमने हवाई में तोड़ के खाए गन्ने खेतों से। हवाई में तोड़ के खाए? हाँ खेतों में भी नहीं लगे थे जंगल में लगे थे। पता है सुन तो श्री राम के ना कल्चर है अयंगार लोगों का कि उन्हें साल में एक बार गन्ना च्यू करना होता है। कहता ये लौंडे मुझे गन्ने का खेत दिखाना चाहते हैं नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में क्या खास बात है गन्ने के खेत में नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत।
आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा था, चलो फ्रेश होगा। ऑब्वियसली बात है, जो सामान यहाँ पे मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं चावल की बात करूँ इंडिया गेट के, वो यहाँ पे सस्ता मिलेगा क्योंकि यार इनकी जो परचेसिंग पावर है इन बड़ी कंपनीज की, वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडियन स्टोर। तो जो सामान ऐसे स्टोर्स में मिलेगा वो ऑब्वियसली बात है इंडियन स्टोर से सस्ता ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि कन्वीनियंट कितना है, कि कितना दूर है घर से। अब शायद अगर मैं महोगनी में रहूँगा तो शायद ही मैं कभी यहाँ चलो फ्रेश को मैं शॉपिंग करने आऊँगा, लेकिन हाँ जब तक डाउनटाउन में रहता हूँ, गाड़ी नहीं है तो यार ब्लू लाइन सी ट्रेन पकड़ी और सीधा आए और लेके जा सकता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन महोगनी से यहाँ तक आने का चांस नहीं बनता क्योंकि एकदम फार साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आना, यू नेवर नो, अगर कुछ कह नहीं सकते, गाड़ी अगर अच्छी आए कुछ नहीं कह सकते अभी तो इसके बारे में, बट हाँ वही है कि आलस तो आएगा इतनी दूर आने में। तो बाकी ओवरऑल सब कुछ था, शॉपिंग करी, कितना बिल बना हमारा? $100 पूरा, $100 एग्जैक्ट, 100 से थोड़ा ऊपर, 101 ऐसा कुछ, 101 अच्छा, करीब $100 की ग्रॉसरी आई है, दो थैले भर के आए हैं। कुछ सामान हमने फालतू में भी लिया क्योंकि आए थे तो चलो ले लेते, क्योंकि स्पेशली इसकी मैगी दो दिन से ढूंढ रही है, वहाँ मिल ही नहीं रही थी, शॉर्टेज चल रही है, पता नहीं कुछ सप्लाई भी इशू है क्या है मैगी के साथ, वो मिल नहीं रही हमें कहीं पे, तो ले लिए करते दो पैकेट। इतना इम्पल्स बाइंग है, नहीं भी मिलता तो नहीं खरीदते, क्या तो खरीद लिया। तो अब यहाँ पे ट्रॉली वापस करनी पड़ेगी, इसको लगाएंगे तो हमारे 25 सेंट्स पे वापस बाहर आ जाएंगे, तो एक बार करके दिखा देता हूँ। और इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैं, ये हल्का भी है करने वाला, हाँ तो मैं पकड़ लूँगी ये वाला। अब ये मैं इसमें लगाऊंगा, मतलब कैसे लगेगा, भाई पोपट क्या हुआ? पोपट हो गई मेरी, ओ टिकल गया। अच्छा ये नहीं लगाना, आगे वाली ट्रॉली का चेन पीछे वाली में लगानी है। ये निकल गया सिक्का मेरा बाहर, ये वापस इसका निकल गया, मेरी ट्रॉली अलग हो गई, तो मेरे 25 सेंट वापस आ गए। तो ये चलो दोस्तों फिर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, ट्रेन स्टेशन देखना कितनी दूर है यहाँ से, है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मगर किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं जाके शूट करूँगा लाइलैक फेस्टिवल है, ये नहीं पता पहले कौन सी वीडियो आएगी, लाइलैक आएगी ये आएगी। मनी वर्ल्ड।